हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने पोको C65 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन में वीडियो कॉलिंग की कभी भी प्रॉब्लम आती है तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन का जो कॉलिंग का ऐप है, इस कॉलिंग के ऐप को रीसेट करना है, यानी कि इसका डेटा क्लियर करना है। कैसे? देखिए, आप इस कॉलिंग के आपको उंगली से दबा के रखेंगे तो आपका ये छोटे पेज ओपन होता है। छोटे पेज में आपको ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलता है, इसे टैप करना है, या फिर सर्कल के अंदर जो आई बटन है इसे टैप करना है। आपका ये पेज आएगा, इसमें आपको स्टोरेज पे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे क्लियर डेटा पे टैप करना है। आपका ये पेज आएगा, इसमें आपको पहले तो क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। आपको क्लियर कैच के इस पेज में ओके कर देना है। आपका ये कैच के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा। इसके बाद आपको क्लियर डेटा पे दोबारा टैप करना है। आपका ये पेज आएगा डिलीट ऑल डेटा का, इसे ओके करना है। इस बार आपका ये यूजर डेटा के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा। इस तरीके से आपको कॉलिंग का ऐप रीसेट करना है, जिससे वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर आपको अगला काम यह करना है कि मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है फोन की नेटवर्क सेटिंग ठीक से काम नहीं करती है, जिसके कारण फोन में वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम आती है। तो फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे आपको टैप करना है। यहां पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, तो आपको नीचे की साइड एक ऑप्शन शो हो जाएगा थोड़ी देर में यहां पे। ठीक है, ये वाला रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का, इसे टैप करना है। ठीक है, आपको ये जो तीन सेटिंग दिखाई दे रही है ना, वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ, ये तीनों सेटिंग मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग के साथ रीसेट हो जाती है। आपको नीचे की साइड इसे रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। अब इस पेज में ओके करना है, तो आपको नीचे यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है, जिससे वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है ना, अब यहां पर आपको ना यहाँ पर आपको एक चीज़ और चेक करनी है कि आप अपने मोबाइल फोन का जो इंटरनेट का रिचार्ज करवाते हैं उसे आपको चेक करना है, कहीं वो खत्म तो नहीं हो गया। कई बार ऐसा होता है फोन का इंटरनेट का रिचार्ज खत्म हो जाता है, जिसके कारण भी मोबाइल फोन में वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और ये भी आपको चेक करना है कि जब भी आप मोबाइल फोन से अपने वीडियो कॉलिंग करते हैं, वीडियो कॉलिंग रिसीव करते हैं, तो आपके मोबाइल फोन का जो इंटरनेट होता है ना, इंटरनेट आपके फोन का चालू रहना चाहिए। ठीक है ना, और देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। सबसे पहले मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर ये अबाउट फोन के सामने अगर ये अपडेट का बटन दिखाई देता है, तो इसे अपडेट पे टैप करके अपने मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर है उसे आपको अपडेट कर लेना है, जिससे आपके मोबाइल फोन की वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है ना, अब दोस्तों अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन की ना APN सेटिंग को आपको रीसेट करना है। ठीक है, मोबाइल फोन की APN सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज के अंदर आपको ना सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर टैप करना है। इसके अंदर आपको ये अपने फोन की सिम सेलेक्ट करनी है। इसके अंदर आपको ये एक्सेस पॉइंट नेम पर टैप करना है। इसका अगला पेज APN का होता है, इसमें आपको नीचे की साइड ना ये रीसेट का ऑप्शन आपको टैप कर देना है। तो आपको है ना यहाँ नीचे लिखा हुआ आ जाता है रीसेट डिफॉल्ट APN सेटिंग। इस तरीके से आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन की APN सेटिंग को रीसेट कर देना है, जिससे आपके मोबाइल फोन की वीडियो कॉलिंग की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, अब दोस्तों यहां पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि मोबाइल फोन को रिबूट करना है। इसके लिए फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपका ये पेज आता है, इसमें आपको रिबूट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होकर ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रिबूट करने से ये होता है कि हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है ना, तो दोस्तों इस वीडियो में मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करना है, इससे आपके मोबाइल फोन की जो वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना।